नमस्कार साथियों, 6, 7 और 8 नवंबर को आपकी राजस्थान पुलिस के एग्जाम्स पूरी हो गई हैं और डिपार्टमेंट ने इस पे जो भी प्रश्न पत्र हैं, 6 प्रश्न पत्र उन पे आंसर्स पे आपत्तियां भी मांग ली हैं और 48 घंटे का समय दिया था। मैं इस वीडियो में उन 21 प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूँ विथ प्रूफ कि जिन पे आपत्तियां लगी हैं, लगभग 15,000 आपत्तियां उन पे आई हैं और उन प्रश्नों का किस आधार पे निस्तारण होगा, क्या वो डिलीट होंगे, क्या उनके आंसर चेंज होंगे, उन प्रश्नों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। 6 तारीख वाला जो पेपर है उसका पहला प्रश्न है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया। अब इसका जो आंसर है वो विभाग ने ए माना है 2004 को, जबकि ये प्रश्न डिलीट होने योग्य है। इसमें प्रश्न में बोनस मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और इसका स्रोत यदि आप देखना चाहें तो राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना है एक लेखक, उनकी ज्योग्राफी की बुक में आपको ये मिल जाएगा। 6 नवंबर की जो फर्स्ट पारी का सेकंड क्वेश्चन है जिसपे विवाद है, वो प्रश्न है आपका कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं हैं, वो वाला प्रश्न। इसमें विभाग का उत्तर, विभाग ने उत्तर माना है सी को, जबकि उत्तर इसमें होगा डी। इसका जो प्रमाण है, क्यों, इसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि इस प्रकार के प्रश्नों में जो भी प्रश्न होते हैं उनमें सकारात्मक यदि प्रश्न है तो उसका जो निष्कर्ष होगा वो भी सकारात्मक होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि इसमें ऐसा नहीं माना, इसलिए ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट होने योग्य है। 6 तारीख की फर्स्ट पारी में 2 क्वेश्चन थे और सेकंड जो पारी थी उसमें भी 2 ही क्वेश्चन थे जिन पे विवाद है। सेकंड पारी का जो दूसरा प्रश्न है उनमें जो है, निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसमें ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये मिसप्रिंट है और इसमें विभाग ने उत्तर डी को माना है बाड़मेर, जबकि ये बाड़मेर ही जिला ऐसा है जो इसे सीमा बनाता है, बाकी 3 जिले सीमा नहीं बनाते। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी बोनस देने योग्य है क्योंकि विकल्प में दिए गए 3 जिले पाकिस्तान की सीमा से सीमा नहीं बनाते और साथ ही इसमें ये मिसप्रिंट है, राजस्थान का भौगोलिक मानचित्र में इसका स्रोत आप देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। साथ ही 6 तारीख का जो दूसरा प्रश्न है वो है, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है तो दी गई छवियों में से कौन सा सही दर्पण छवि होगा। अब विभाग ने इसका आंसर माना है ए को, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से डिलीट होगा क्योंकि दी गई 4 विकल्प ही इसमें गलत है, तो ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट होगा। इस प्रकार 6 तारीख वाले जो फर्स्ट पारी में 2 क्वेश्चन विवादित हैं और 6 तारीख वाली सेकंड जो शिफ्ट है उसमें भी 2 क्वेश्चन विवादित हैं। 7 नवंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें पहला प्रश्न है जिसपे विवाद है कि जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुआ। यह क्वेश्चन निश्चित रूप से डिलीट करना होगा विभाग को क्योंकि विभाग ने इसका मान्य उत्तर जो है वो डी को माना है और उत्तर बिल्कुल गलत है क्योंकि जयपुर मेट्रो का शिलान्यास फरवरी 2011 को केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी द्वारा किया गया था, जबकि इसका उद्घाटन 3 जून 2015 को तात्कालिक जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया उनके द्वारा किया गया था और वर्तमान में इसका काम चल रहा है। तो विभाग ने जो उत्तर डी माना है वो बिल्कुल गलत है। इसका स्रोत यदि आप देखना चाहें तो जयपुर मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, ये प्रश्न निश्चित रूप से विभाग को डिलीट करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा में राजस्थान के कितने सांसद चुने जाते हैं। अब बताओ, ये छोटा सा प्रश्न है जिसको एक छोटा बच्चा भी इसको सोल्व कर सकता है। विभाग ने इसका आंसर 33 माना है, जबकि बच्चा बच्चा जानता है कि राजस्थान में 25 सांसद संसद में चुने जाते हैं और ये उत्तर बिल्कुल गलत है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसका यदि आपको प्रमाण चाहिए तो लोकसभा की साइट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, राजस्थान विधानसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसको आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो है 7 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का तीसरा विवादित प्रश्न कि इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए खालिस्तान बटन का उपयोग किया जाता है। अब 4 ऑप्शन दे रखे थे, रीलोड, रीफ्रेश, रिसर्च और फॉरवर्ड। अब इसमें दोनों ही ऑप्शन विभाग ने जो प्रश्न उत्तर माना है वो रिफ्रेश माना है, बी ऑप्शन को, जबकि इसका आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों, रीलोड और रिफ्रेश दोनों आंसर इसमें सही है, इसलिए ये प्रश्न भी निश्चित रूप से डिलीट होने योग्य है और इसका बोनस अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। इसका यदि आपको स्रोत देखना है तो RSCIT की जो बुक है, राजस्थान बोर्ड द्वारा प्रकाशित, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उस पर आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये प्रश्न भी बोनस योग्य है। और यदि वहां आप जाते हैं उस बुक पे, RSCIT की बुक पे पेज नंबर 43 पे इसका सारा रेफरेंस आपको मिल जाएगा। 7 नवंबर की सेकंड शिफ्ट के बारे में अपन बात करें तो पहला प्रश्न है, जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता, ये रिपीटेड वाले 7 तारीख वाले प्रश्न में भी आया है और 6 वाले में भी आया है। कोटा, जयपुर, अजमेर और बाड़मेर जो है इसमें विकल्प दे रखे हैं, विभाग ने आंसर जो है वो डी माना था, लेकिन ये प्रश्न भी बोनस योग्य है क्योंकि विकल्प में 3 जिले सीमा साझा नहीं करते और प्रश्न मिसप्रिंट माना जा सकता है और निश्चित रूप से ये प्रश्न डिलीट करना होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। अब चार ऑप्शन है यहाँ पे, कामरान मिर्जा है, राजा राय सिंह है, राव बीका है, बाबर है, और विभाग द्वारा जो उत्तर माना गया वो सी है। सी आंसर बिल्कुल गलत है, विवरण में उत्तर गलत है, सही उत्तर बी होगा, अर्थात राजा राय सिंह के समय में बीकानेर की दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1594 में करवाया गया था, और इसके जो स्रोत हैं वो कक्षा 11 के राजस्थान अध्ययन के जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 23 पे इसका रेफरेंस मिल जाएगा, और 9वीं की में आप 27 नंबर के पेज नंबर पे जाके देख सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन जो है वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना कब की गई थी। इसमें चार विकल्प दे रखे हैं, 1988 है, 1990, 92 और 94 है, और विभाग ने उत्तर इसका माना है सी, जबकि ये प्रश्न ए और सी दोनों उत्तर सही है, इसलिए इस प्रश्न में भी बोनस देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 12 अप्रैल 1988 को एक संगठन के रूप में सेबी की स्थापना की गई थी, 3 जून 1992 को इसको वैधानिक मान्यता दी गई, और 12 जनवरी 1952 को सेबी अधिनियम बना, इसलिए 1992 के तहत इसमें अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और यदि इसका आप स्रोत देखना चाहें तो सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसका स्रोत आप देख सकते हैं। साथ ही कक्षा 12 की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक है, उस पर भी आपको सेबी का रेफरेंस मिल जाएगा, उस पर भी आप अपने आंसर को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया। ये भी एक विवादित प्रश्न है, चार विकल्प दे रखे हैं, 1956 है, 85 है, 71 है, 67 है। इसमें विभाग का जो आंसर है वो 1965 माना है, जो बिल्कुल गलत है, सही उत्तर ए होगा, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को फजल अली आयोग के अनुशंसा के आधार पर वर्तमान राजस्थान का गठन किया गया था। बच्चा बच्चा जानता है, इस प्रश्न को उत्तर गलत नहीं मान सकते। और इसका यदि आप स्रोत देखना चाहते हैं तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है बीएल पनगड़िया की, उनके पेज नंबर 136 136 नंबर के पेज पे जाके आप इसको आसानी से कंफर्म कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान का खालिस्तान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें चार ऑप्शन थे, 7 भाग, 9 भाग, 3 भाग या 5 भाग। अब विभाग द्वारा जो आंसर माना गया है वो 9 है, जो बिल्कुल गलत है, इस पे ये प्रश्न डिलीट होगा, क्योंकि प्रश्न जो है वो बोनस योग्य है। अभी इसमें अलग अलग लेखकों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा है, तिवाड़ी और हरिमोहन सक्सेना ने इनको 3-3 भागों में बांटा है, जबकि रामलोचन सिंह ने इसे 2 बृहत प्रदेशों में बांटा गया है। और यदि आपका स्रोत देखना चाहें तो कक्षा 12 के राजस्थान अध्ययन के पेज नंबर 192 पे इसको देख सकते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों के समुच्चय सेट के बीच सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वह नारिक का चयन करें। इसमें 3 जो वो दिए थे, फूल, गुलाब और कमल। अब वो जो 3 विकल्प है, एक गोले के अंदर फूल और गुलाब, ये फूल इसके बाद में गुलाब और कमल उसके अंदर आना चाहिए था, ऐसा विकल्प ही नहीं था। विभाग ने उत्तर बी माना है, लेकिन जो प्रश्न है बोनस देने योग्य है, क्योंकि इसमें सभी विकल्प गलत है, एक भी विकल्प इसमें सही नहीं है। बात करते हैं 8 नवंबर की फर्स्ट पारी की, उसमें राजस्थान का जो पहला प्रश्न जो है वो राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, हनुमानगढ़, जयपुर, उदयपुर, झालावाड़। इसमें विभाग का उत्तर जो है वो ए माना था, अर्थात हनुमानगढ़ को, लेकिन विवरण में जो आंसर है इसका आंसर चेंज होगा, उत्तर होना चाहिए बी। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 2018 का जो कृषि के आंकड़े थे उनमें हनुमानगढ़ को पहला चना उत्पादक राज्य बताया गया था, जिला बताया गया था, लेकिन वर्तमान में 2019 के नवीनतम जो कृषि संबंधी आंकड़े हैं वो कृषि की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देखे जा सकते हैं। उन पे 3 जिले आपको बताए हैं, गंगानगर जो है पहला स्थान, बीकानेर दूसरा स्थान, और तीसरा स्थान पे आपका जयपुर है चना उत्पादन में। तो इस हिसाब से जयपुर को इसमें फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन माना जा सकता है, चना का सबसे बड़ा उत्पादक जो जिला है वो जयपुर माना जाना चाहिए, हनुमानगढ़ बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर आपको चेंज करना पड़ेगा। 8 नवंबर की जो फर्स्ट पारी का सेकंड प्रश्न है वो है, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने कुल कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की। अब इसमें ऑप्शन है, 102 सीट, 92 सीट, 97 सीट और 107 सीट। अब हर एक जो भी बच्चा है वो राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत सामान्य समझ रखता है, उनको सबको पता था कि उस समय केवल 99 सीटों पर सत्तारूढ़ कांग्रेस दल ने सीट हासिल की थी, जीत हासिल की थी, लेकिन वहां पे 99 सीटों का तो ऑप्शन ही इसमें नहीं है, इसलिए प्रश्न गलत होगा, क्योंकि विभाग ने उत्तर 107 माना है, जो वर्तमान में 107 विधायक हैं ये मानते हैं अपन, लेकिन वर्तमान का यहाँ पे कोई रेफरेंस प्रश्न में नहीं दिया, इसलिए 99 जो है वो आंसर सही रहेगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं भी 99 का रेफरेंस नहीं है, इसलिए प्रश्न को डिलीट करना पड़ेगा, निश्चित रूप से डिलीट करने योग्य है। और राजस्थान इसका यदि आपको रेफरेंस दिए तो राजस्थान विधानसभा की जो ऑफिस। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कम से कम कितने उम्र की लड़की और कितने उम्र के लड़के को नाबालिग माना जाएगा। ऑप्शन है ए 21-18, बी 18-21, सी 18-18 और डी 21-21। अब इसमें विभाग ने उत्तर माना है डी को, जबकि वास्तविक उत्तर है बी। अब इसका यदि स्रोत आपको देखना है तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का जो अधिनियम है उसमें साफ साफ रूप से इसको लिखा हुआ है, वह जाके आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था।
ऑप्शन है पहला, तीसरी, बी दूसरे, सी सातवे और डी नवे। अब विभाग द्वारा मान्य उत्तर इसमें ए है तीसरे में, जबकि सही उत्तर होगा बी, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि काल 1956 से 1961 के दौरान राजस्थान में 1959 में पंचायत राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो उत्तर होगा आपका दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 2020 में पेश किया गया था? पहला, आंध्र प्रदेश पंचायत राज का दूसरा संशोधन विधेयक, दूसरा, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम का दूसरा संशोधन विधेयक, सी है तमिलनाडु नगर पालिका का चौथा संविधान संशोधन विधेयक, डी है केरल पुलिस संविधान संशोधन विधेयक। यहाँ पर विभाग ने जो मान्य उत्तर माना है वो ए को माना है, लेकिन प्रश्न बोनस योग्य है क्योंकि यहाँ पे विकल्प ए और विकल्प डी दोनों ही बराबर रूप से सही है। दोनों ही संविधान संशोधन विधेयक वर्ष 2020 में पारित किए गए थे, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न को डिलीट किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये प्रश्न डिलीट होगा और होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, कन्या भ्रूण हत्या तथा गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT एक्ट अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1994, 1995, 1996 या 1997? अब यहाँ पे विभाग ने इसका जो उत्तर माना है वो ए विकल्प को माना है 1994 में, जबकि विकल्प गलत है। 1996 इसका सही आंसर होगा, विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। और यदि इसका स्रोत देखना चाहते हैं तो आप पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि एक्ट 1994 में बना जबकि ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1996 को, इसलिए PCPNDT एक्ट को लागू होने की तिथि माना जाता है 1 जनवरी 1996। विवादित कुल 21 प्रश्नों में अंतिम प्रश्न है, HD SD VGA आदि शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला, गुणवत्ता प्रदर्शन, ध्वनि गुणवत्ता, मेमोरी क्षमता या प्रसंस्करण शक्ति से। अब विभाग ने जो उत्तर माना है वो ध्वनि गुणवत्ता को माना है, ए ऑप्शन को, बी ऑप्शन को, जबकि वास्तविक उत्तर इसका गुणवत्ता प्रदर्शन जो है ए विकल्प होना चाहिए, अतः ये उत्तर गलत है और ये चेंज होना चाहिए। अब इसका यदि स्रोत आपको देखना है तो राजस्थान सरकार की RSCIT की जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 284 और 285 पे जाके आप आराम से इसको कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये थे कुल 21 प्रश्न, विवादित प्रश्न, जो राजस्थान पुलिस की 6 पारियों में लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई हैं और इन आपत्तियों का जल्दी निस्तारण किया जाएगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच।